वहीं हजकां भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भवानीखेड़ा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी भारी जीत का दावा किया, साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार की सीमा खत्म होने से पहले मंगलवार को हजकां भाजपा उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई भवानीखेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग बेईमानी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो ईमानदार उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने दावा किया कि हिसार लोकसभा चुनाव में वो 1.5 से 2 लाख मतों से विजयी होंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिश्नोई ने पालवास, निनान, खरक, कैलिंग समेत 17 गांवों का तूफानी दौरा किया। इस मौके पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। हरियाणा न्यूज के लिए भवानीखेड़ा से जगबीर सिंह घड़गस की रिपोर्ट।